और सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है, परशुराम की जयंती पर अवकाश रहेगा, जनापाव का मंदिर भव्य बनेगा, संस्कृत के छात्रों को 8 से 10 हजार रुपए दिए जाएंगे, पाठ्य पुस्तकों में परशुराम की जीवन गाथा पढ़ाई जाएगी, पुजारियों को 5,000 पूजा सामग्री के लिए दिए जाएंगे, मंदिर की जमीन कलेक्टर नीलाम नहीं करेगा, पुजारी को इसका हक होगा, ब्राह्मण कल्याण के लिए बोर्ड पर विचार होगा, शिक्षा व्यवस्था के लिए छात्रावास के लिए भोपाल में जमीन दी जाएगी, प्रतिभावान छात्रों की पढ़ाई का खर्च देगी सरकार, प्रदेश में लव चलेगा लेकिन जिहाद नहीं चलने दिया जाएगा, लव जिहाद पर सीएम शिवराज का प्रहार, कहा प्रदेश में लव चलेगा लेकिन जिहाद नहीं चलने देंगे। भगवान परशुराम जी की जयंती हमने पिछले साल भी मनाई थी, इस साल भी मनाई, पर हमने तय किया भगवान परशुराम जयंती के दिन शासकीय अवकाश रहेगा ताकि पूरे श्रद्धाभाव हम भगवान परशुराम की जयंती मना सके। जितने संस्कृत के छात्रावासी विद्यार्थी हैं उनको 1 से 5 तक को 8,000 रुपया और 6 से 12 तक को 10,000 रुपया उस काम के लिए प्रदान किया जाएगा ताकि हमारा ये संस्कार लगातार बना रहे। हमने पहले ये तय कर लिया कि सभी पाठ्य पुस्तकों में भगवान परशुराम जी की पूरी जीवन गाथा पढ़ाई जाएगी, ज्ञान की, विज्ञान की, जो विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, तेज है पढ़ने में लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसके लिए छात्रावास इत्यादि के लिए भोपाल में उपलब्धता के आधार पर आपका जो भी आप व्यवस्था बनाएंगे समाज का कुछ ट्रस्ट या बाकी। मध्य प्रदेश में लव तो चल सकता है लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह की हरकत करने वाले पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। ऐसी चीजें हम मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे।